Good morning, students. Students, today we are going to discuss the summary of the unit 5, chapter number 2, Funny Bunny. तो बेटा आज हम अपने यूनिट 5 का जो चैप्टर नंबर 2 है फनी बनी उसकी समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी. एक दिन की बात है, फनी बनी बैठा हुआ था, उसके सर पर एक नट गिरता है, उसके ऊपर आकर एक नट गिरता है. तो ही सेड आउच द स्काई इज गोइंग टू फॉल. तो वो कहता है कि मुझे लग रहा है आकाश गिरने वाला है. सैड फनी बनी. फनी बनी अपने आप से कहता है आई मस्ट टेल द किंग. मुझे जा कर के जल्दी से किसको बताना चाहिए, राजा को बताना चाहिए. ऑन द वे ही मेट हैनी पैनी. रास्ते में उसको हैनी पैनी मिलती है. द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी बनी. फनी बनी कहता है कि मुझे लगता है आकाश गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. मैं राजा को जाकर बता रहा हूँ. आई शैल कम टू सैड हैनी पैनी. हैनी पैनी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. अब इस तरह से वो दोनों राजा को ढूंढने चल दिए. सून दे मैट कॉकी लॉकी. अब रास्ते में उन्हें कौन मिली, कॉकी लॉकी मिली. अब जब कॉकी लॉकी मिली तो फिर उनकी क्या डिस्कशन हुई, आगे देखते हैं. द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी बनी. फनी बनी ने कहा कॉकी लॉकी को आकाश गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. आई शैल कम टू सैड कॉकी लॉकी. कॉकी लॉकी भी बोली मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूँगी. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और इस तरह से वो तीनों के तीनों राजा को ढूंढने चल दिए. ऑन द वे दे मैट लकी टकी. द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी बनी. अब रास्ते में उन्हें कौन मिला, लकी डकी मिला. तो उन्होंने कहा आकाश गिरने वाला है. फनी बनी ने ऐसा उससे बोला. और आई एम गोइंग टू टेल द किंग. मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. आई शैल कम टू सैड लकी डकी. लकी डकी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और इस तरह से वो सारे के सारे राजा को ढूंढने चले गए. ऑन द वे दे मैट पूजी गुजी. रास्ते में उन्हें कौन मिला, पूजी गुजी. द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी बनी. फनी बनी ने कहा आकाश गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. आई शैल कम टू सैड पूजी गुजी. पूजी गुजी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और इस तरह से वो राजा को ढूंढने चल दिए. ऑन द वे दे मैट वॉक्सी फॉक्सी. अब रास्ते में उन्हें कौन मिला, वॉक्सी फॉक्सी मिली. वॉक्सी फॉक्सी जब उन्हें मिली तो क्या बात हुई, वॉक्सी फॉक्सी चालाक थी. तो फनी बनी ने उससे भी कहा द स्काई इज गोइंग टू फॉल दे ऑल सेट. सबने मिलकर कहा कि आकाश गिरने वाला है. वी आर गोइंग टू टेल द किंग. हम राजा को बताने जा रहे हैं. और फॉक्सी फॉक्सी शी वॉज वेरी क्लेवर और बहुत चालाक थी. तो उसने कहा द किंग्स लीव हेयर सैड वॉक्सी फॉक्सी फॉलो मी. तो उसने कहा कि राजा यहाँ रहता है. किसने कहा, वॉक्सी फॉक्सी ने, मेरे पीछे आओ. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी. और ये इस तरह से किसका एंड हो गया, किसके जीवन की समाप्ति हो गई, फनी बनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गुजी. बिकॉज शी वॉज वेरी क्लेवर. वो उनको खा गई. और इस तरह से उसे पता था आकाश नहीं गिरता है. और ये सब इतने मूर्ख हैं, इनको पता ही नहीं है कि आकाश भी कभी गिर सकता है. वो चालाक थी और इस तरह से वो उनको खा गई. सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द समरी ऑफ द चैप्टर. आपको इसकी चैप्टर की रीडिंग करनी है और इसकी समरी को अंडरस्टैंड करना है. थैंक यू, हैव अ गुड डे.